और आप नहीं देखोगे कि वो फोन पे क्या कर रहे हैं, तो फिर एक ना एक दिन हमारे पास पुलिस थाने में FIR आएगा बस, और कुछ नहीं। तो उसके लिए होता है ना, आप उसकी हिस्ट्री ऑप्शन में जाओ, हिस्ट्री में देखो कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, थोड़ा सा चेक रखो। दो तीन बारी अपने बच्चों को आप देखोगे ना कि मेरे को पता है तूने भी क्या किया, अभी तूने ये वाला साइट देखा था, तो उसको डर लगेगा कि ये चेक कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे। ठीक है। सेकेंडली, जो ये गर्ल्स फेसबुक यूज कर रही है ना, फेसबुक पे क्या होता है, 14 साल की लड़की अभी आपकी, सिर्फ 14 है, उसको नहीं पता कि इंटरनेट पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स बैठे हैं। ठीक है। इंटरनेट पे हमारे को किसी के बारे में नहीं पता दूसरा बंदा कैसा है, वो बहुत ऑब्वियसली हर एक बंदा अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। गर्ल्स क्या करती है, दे बिकम फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्ती करने के बाद 5-6 महीने फोन ऑनलाइन बात होती रहेगी, फिर फोन नंबर एक्सचेंज करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे बात करेंगे, फिर वो कभी मिलने के लिए बुलाएगा, एंड देन यू नो जब मिलने के लिए बुलाएगा उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती है लड़की के साथ, है ना। तो उसमें दिक्कत क्या है कि शी इज जस्ट 14 ईयर्स राइट नाउ, और 15 ईयर्स राइट नाउ, 18 से कम जब तक भी वो है, अगर उसकी कंसेंट भी है ना कुछ भी काम करने में, तो भी वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। लड़का तो जाएगा ही जाएगा, जिन लोगों के लड़के फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो और लड़कियों को अगर वो फंसाते हैं या उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, उसके बाद इंटेंशन कुछ गलत है। जब तक इंटेंशन साफ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नहीं पता सामने वाला का इंटेंशन कैसा है। तो लड़के के अगेंस्ट तो FIR होगी होगी, लड़की का नाम भी एक बार FIR में आ गया, कोर्ट की पेशियां लगेंगी, सब कुछ होगा, फैमिली इज डिस्टर्ब। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है कि आप लोग मॉनिटर करते रहे, उनको थोड़ा सा चेकिंग करते रहे, सुपरवाइज करें, एंड टेल देम एटलीस्ट जब तक 18 साल के ना हो जाए फेसबुक इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। आप लोग खुद भी फेसबुक यूज करते होंगे, आई एम श्योर एवरीवन, सभी करते हैं। आई थिंक इट्स ऑलवेज सिर्फ मैं हूं जो फेसबुक यूज नहीं करता। मैं सीरियसली फेसबुक नहीं यूज करती, मतलब ठीक है आप लोगों के, अगर मैं 10 लोगों के कारण पूछूं फेसबुक इस्तेमाल करने के क्या है, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे प्लीज, आप क्यों फेसबुक यूज करते हैं। आपने अपनी फोटो डाली है उसके ऊपर कितने लाइक सारे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये असली चीज ये है। अच्छा, उसके 50 लाइक्स हैं, अभी मेरे 100 होने चाहिए, मैं कल नया सूट पहन के फोटो डालूंगी उसको, या फिर मैं मतलब मेरे फॉलोअर्स इतने होने चाहिए, सब अपने लिए। व्हाई देयर इज नो नीड फॉर दिस। आपको जो अवेयरनेस चाहिए, जानकारी चाहिए, वो तो टीवी चैनल है, अखबार है, मैं भी तो वहीं से जानकारी ले रही हूँ। मैं आई थिंक आई नो इक्वली, जितना आप लोगों को पता है उतना मेरे को भी पता है, पर बिना फेसबुक इस्तेमाल करें। और सोशल वैलिडेशन की जरूरत क्या है, आप अपने बच्चों को अगर ये चीज सिखाएंगे ना, लड़कियों का भी यही है, आई हैव सीन दिस, दे वांट टू क्लिक देयर फोटोज, उसको बस अपलोड कर दो, मेरे को तो 100 लाइक्स आ गए, मेरे को 200 लाइक्स, आई हैव 250 लाइक्स, आई हैव 1000 फॉलोअर्स, व्हाट द हेल, व्हाई, जरूरत क्या है। जब लड़कियों को ये नहीं पता होता कि आपने फोटो तो अपलोड कर दी, बट हाउ इट कैन बी मिसयूज्ड, ठीक है, जब उनको ये नहीं पता कि अपना वो कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हाउ मच इन्फॉर्मेशन इज गुड इनफ, हाउ मच इन्फॉर्मेशन आफ्टर दैट बिकम्स, जो ये प्रिडेटर्स बैठे हैं हमारे ऑनलाइन प्रिडेटर्स, दे आर सेक्सुअल प्रिडेटर्स, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, जो फाइनेंशियल चोरी करने के लिए बैठे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका जो खाना है ना जिसके ऊपर वो फीड करते हैं, वो फीड करते हैं ऑन इन्फॉर्मेशन, जहां से कहीं से इन्फॉर्मेशन जो मिले, जो उस बंदे को वल्नरेबल बनाती है अटैक करने के लिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि अच्छा ये लोग अभी डेज के लिए, पर पीछे से उसको, चोर को तो पता है कि 10 दिन कोई नहीं है घर पे, मैं चोरी कर सकता हूँ आराम से जाकर, ठीक है। सेकेंड, यू आर गिविंग योर डिटेल्स कि मैं इस कॉलेज में आज गई, उसको पता है आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आपके ये दोस्त हैं, वो कल को आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करता है, मतलब इसमें डालने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ, एक स्टूडेंट को ये लिखने की क्या जरूरत है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ।